दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आप सभी का न्यू लाइफ टिप्स की एक नई वीडियो में। तो चलिए जानते हैं कैसे रहेगा आज देश भर के मौसम का हाल। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम जरूर बताएं, जिससे कि हम आपको डेली अपडेट करा सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके पास आए बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपको बता दें, देश के इन हिस्सों में अगले 5 दिनों तक हो सकती है तेज बारिश। IMD ने जारी किया अलर्ट। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को रात को हुई तेज बारिश के बाद मंगलवार को सुहाना मौसम बना हुआ है। इसी के चलते दिल्ली NCR के लोगों को गर्मी से राहत मिली हुई है। तो वही आज एक बार फिर से भारतीय मौसम विभाग ने 24 मई को उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों के दौरान पूर्व भारत में भीषण बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर अगले 5 दिनों के दौरान देश के किसी भी हिस्से में लू चलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में, अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वांचल भारत में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की उम्मीद है। अगले 5 दिनों के दौरान केरल और माहे में गरज के साथ माध्यम से बारिश, बिजली गिरने की आशंका है। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश के कई अलग अलग हिस्सों में आज बारिश हो सकती है। इसके बाद भी इन्हें बारिश की गतिविधि 25 मई से कम आएगी। वही आज 24 मई को उड़ीसा में, 27 मई और 28 मई को आसाम में मेघामी में भारी बारिश होने की संभावना है। IMD ने बताया कि उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा में ओलावृष्टि की गतिविधि के साथ आंधी तूफान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चेतावनी जारी की।